साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए आप सबने प्रोजेक्ट फाइल बना ली होगी, तो कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट फाइल आप लोगों को साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए जो है वो बनानी है। आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल A4 पेपर के ऊपर बनाइए और ख़ासकर कंप्यूटराइज बनाइए। इसकी एक हार्ड कॉपी भी रखिए और सॉफ्ट कॉपी भी रखिए। दो हार्ड कॉपीज़ और दो सॉफ्ट कॉपीज़ हमें चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सबमिट हो जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में जीत जाता है, तो उसकी एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आके जाएगी स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए। बहुत सारे स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज कर दिया जा चुका है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग समय के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन जो है वो ऑर्गेनाइज होगा, लेकिन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जो है वो सभी का इकट्ठा ही होगा, क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट्स स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन हम लोगों को सिर्फ एक बार ही करना है, वो हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब हमें स्कूल के माध्यम से आगे आगे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और कब हमारा स्टेट लेवल कंपटीशन होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू SSC प्रिपरेशन फॉर मोर साइंस इंस्पायर अवार्ड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।